तो भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। अभी आपके सामने देख पा रहे हो होंडा का एक्टिवा स्कूटर, और ये फिलहाल BS6 फेस 2 कम्प्लाइंट है, और इसके अंदर अपना 6G जो है हट चुका है। और ये फिलहाल जो वेरिएंट आप ये देख पा रहे हो ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट, और इसके डीलक्स वेरिएंट की भी और स्मार्ट वेरिएंट की भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल अगर बात करें तो इसके कलर आपको लग रहा होगा कि ये ब्लैक है, लेकिन आप ये डिफरेंस देख सकते हो, ये ब्लैक और ये इसका एक डार्क ब्लू कलर है। मैं इसका एग्जैक्ट नेम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, बेसिकली टाइटल में डाल के दूंगा। और बाकी अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसा कुछ देखने में लगता है। स्कूटर डिज़ाइन अपने लैंग्वेज पुरानी फॉलो करता है। और अगर इसके सबसे पहले बात करें तो इसमें आपको आगे अपना हेलोजन के लैम्प देखने को मिल जाएंगे, हेलोजन बल्ब, और ये आप देख सकते हो। हाई लो बीम देखने को मिलता है, पास आपको देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले आगे की बात करें तो इसमें आपको इधर ये फाइबर बॉडी देखने को मिल जाती है, ये वाली, ये मेटल आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको मेटल देखने को मिल जाता है। और इधर आपको शॉकर जो है टेलीस्कोपिक वाले देखने को मिलते हैं, और ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती है, कॉम्बी ब्रेक्स, सिल्वर अपना रिम देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ आपको 90-90 12 इंच का देखने को मिलता है। और पीछे के साइज़ की बात करें टायर की, तो आपको 90-110 इंच का देखने को मिलता है, तो पीछे का आपको 2 इंच छोटा टायर देखने को मिलेगा। पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलती हैं, और अगर टेल लैंप्स की बात करें तो टेल लैंप्स आपको हेलोजन के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। और अगर इसके इधर की बात करें लॉक सिस्टम की, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को, स्विच एक पोजीशन देखने को मिलेगी ऑन ऑफ की। और इसमें आपको जो है आगे अपना फ्यूल सीट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपना फ्यूल लेड ओपन कर सकते हो यहाँ से, और अपना सीट भी ओपन आप कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपको सीट ओपन करने के लिए सीट से उठना पड़ता है, और सीट ओपन हो जाती है। पहले कहीं हम देखते थे कि भाई आपको जो है ऐसे प्रोवाइड नहीं किया जाता था कि भाई मतलब आप इजीली करो तो ओपन हो जाती है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इजीली ओपन हो जाती है। और इसके अंदर स्पेस की बात करें तो जो फुल फेस हेलमेट आता है, जो 700-800-900 इतने रुपये का वो छोटा वाला जो हेलमेट आता है, वो आपका इसमें आ जाएगा। जो बड़े वाले हेलमेट होते हैं वो शायद आप इसको फिट नहीं कर पाओगे इसमें। और टूल किट इसमें आपको ये प्रोवाइड की जाती है, ऐसे ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें आपको फर्स्ट एड किट भी देखने को मिल जाएगी। और पीछे की बात करें तो इसमें पीछे आपको ये कुछ देखने को मिलता है, फ्यूल लिड, एक्सटर्नल फ्यूल लिड है, और इसमें आपको इथेनॉल 20% वाला फ्यूल कंप्लाइंट है। और पीछे टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स ऐसे कुछ आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको हेलोजन का बल्ब देखने को मिल जाएगा, जो इंडिकेटर्स है वो भी आपको हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं। और साइड में लोगों की बात करें तो वो आप एक्टिवा की बैजिंग वो आपको 3D क्रोम में देखने को मिलती है, और कलर ये ब्लू है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ब्लैक है, आप ये देख सकते हो, ये ब्लू है और ये डार्क ब्लू है, ये दो कलर इसमें आपको प्रोवाइड करे गए हैं ब्लू। और इधर आप ये देख सकते हो इसमें ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, साइलेंसर बेसिकली, और साइड में आपको ये देखने को मिलते हैं फुट रेस्ट, और इसमें आपको ये भी देखने को मिल जाएगी किक, एच स्टार्ट जो एच स्मार्ट है उसमें आपको किक देखने को नहीं मिलती। और इधर आपका इसमें फ्यूज़ बॉक्स और बैटरी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, इधर आपको जो है हुक दिया गया है। और अगर इसके मीटर की बात करें तो आपको ऐसा कुछ इसका स्पीडोमीटर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपकी 110 की 120 की स्पीड है। और फ्यूल जो है, फ्यूल इंजेक्शन आपको देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन मतलब वही यार जो कार में सिस्टम आपको देखने को मिलने लगा था, तो वो है कार्बोरेटर का सिस्टम, अब इसमें हट चुका है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई स्टार्ट करने में आपको इजी हो जाता है, थोड़ा ईज हो जाती है। और अब इसके जो है मिरर्स की शेप भी चेंज कर दी गई है, जो कि 5th जनरेशन में आया करते थे, उससे अब उसकी शेप भी चेंज कर दी गई है, आप देख सकते हो। और हैंडल ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं, जो इनका बेनिफिट क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, अगर ये गिरती है, तो इसमें आपका रेस जो है वो चालू नहीं रहेगी, तो वो आपका रेस छूट जाएगी, क्योंकि इधर से ज़मीन होल्ड नहीं कर पाएगी। और स्टार्ट की बात करें तो आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट देखने को मिलता है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसा कुछ सिस्टम है। और इधर एक किल स्विच आपको देखने को मिलता है, आप इधर से ही इसको बंद कर सकते हो, आपको चाबी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आप आवाज़ इसकी सुनना। तो ऐसा कुछ आपको इसमें सिस्टम देखने को मिलता है। आप ये बहुत, ये जो साइलेंट स्टार्ट है ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को देखने के लिए, कि कोई आवाज़ नहीं करता, काफ़ी भाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप होंडा से एक्सपेक्ट कर सकते हो, टाइम के साथ वो चलती है बिल्कुल। और हेलोजन बल्ब का आप रिस्पॉन्स देख सकते हो कि कैसा कुछ आपको देखने को मिलता है। और फास्ट स्विच आपको देखने को मिलता है कि ये लो, ये अपर बीम और ये लो बीम, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ हो गया, होंडा का लोगो इधर आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी इतना ही कुछ है, और बस इतना ही। और बाकी यार मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है यार, इसको बिल्कुल बिना कुछ सोचे इसको आप इजीली ले सकते हो, और कोई भी डाउट नहीं है भाई, तो आप बिल्कुल बहुत ड्यूरेबल स्कूटर है, आप लेने से पहले सोचेंगे भी नहीं, तो भी आपको पछतावा नहीं होने वाला। और बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वीडियो से जुड़ा और प्रोडक्ट से जुड़ा कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है भाई, थैंक यू।